अब इंदौर जिले में स्पा और सैलून व्यवसाय से जुड़े संचालकों ने भी अपने संगठन का गठन कर लिया है, जिसे इंदौर स्पा एंड यूनिसेक्स सैलून ऑपरेटर्स एसोसिएशन नाम दिया गया है। उक्त संगठन का गठन हाल ही में आयोजित एक सभा के दौरान हुआ है। इंदौर के होटल शिवालय में शहर में संचालित हो रहे स्पा और सैलून वालों को एकत्रित कर स्पा एंड यूनिसेक्स सैलून ऑपरेटर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। इस अवसर पर शहर में संचालित हो रहे स्पा सेंटर के संचालक और सैलून संचालकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी संचालकों की सहमति से राहुल सिंह को एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आपके मनोनयन पर मनोज परमार ने स्वागत करते हुए कहा कि इस व्यवसाय को संगठित होने की आवश्यकता थी, जो पूरी हुई। इससे समाज की उन्नति होगी। अध्यक्ष राहुल सेन ने कहा कि स्पा सेंटर और सैलून संचालकों को अगर कोई समस्या आती है तो एसोसिएशन के माध्यम से हल कर सकेंगे। स्पा सैलून ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अनुज राहुल जी सेन और मेरे प्रिय मित्र शैलू भाई, मेरे अग्रज जनक भाई और समस्त बैठे मेरे बंधु आशीर्वाद दाता मेरी बहनें प्रणाम, सबको सबको नमन करता हूँ। पिछले दिनों का संघर्ष जो रहा लॉकडाउन के पश्चात का, आदरणीय भाई साहब ने आपको संज्ञान में ला दिया, किंतु कुछ समय पहले जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई इस्पा संचालकों के नाम से जो अवैध रूप से गतिविधियां चल रही थी उसको लेकर जो अखबारों में सुर्खियां रही, मीडिया में सुर्खियां रही, उसको लेकर राहुल भाई बहुत चिंतित रहे। और वास्तविक बात है, चिंता का तो विषय है कि हम जब नेकी काम करने जाते हैं, नेकी कर दरिया में डालो, नेक काम करने के बाद यदि बदनामी हमारे हाथ लगे तो चिंता तो होती है। और अपना पक्ष रखने के लिए, मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए एसोसिएशन का होना, संगठन का होना बहुत अत्यंत आवश्यक था। इसलिए आपके संगठन की न्यू जो है लॉकडाउन के पश्चात तुरंत रखी गई थी, उसका नेतृत्व राहुल भाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी एक बात मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ऐसी कई गतिविधियाँ होती हैं, इसको लेकर हमारे मन में कई नर्वसता का भाव, बेचैनी का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के तौर पर यदि हम देखेंगे तो एक चाकू होता है जो सब्जी काटने के काम आता है, एक चाकू होता है जो फल काटने के काम आता है, चाकू का कोई दोष नहीं। उसी प्रकार हमारा जो स्पा सेंटर होता है जहाँ पर आपके द्वारा उपचार किया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में विद्वानों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात तनाव मुक्त जीवन। अब सभी स्पा सेंटर और सैलून की दुकानों पर एसोसिएशन की मेंबरशिप का बोर्ड लगाएंगे। मीटिंग में एकता चौहान, प्रिया सोनी, सपना सोलंकी, प्रियंका चौहान, गरिमा शर्मा, शैलेंद्र सेन, जनक सेन, राकेश सेन, राहुल यादव, शैलेंद्र राजपूत, अभिषेक वर्मा, योगेश चौहान मौजूद थे। अध्यक्ष राहुल सेन ने बताया कि शीघ्र ही अन्य पदाधिकारियों की घोषणा कर पुनः एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि स्पा सेंटर की आड़ में शहर में अनेक स्थानों पर सरेआम देह व्यापार भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ ही स्थानों पर हो रहा है, लेकिन इस पैसे से जुड़े तमाम लोग बेवजह बदनाम हो रहे हैं। ऐसी अनैतिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ भी एसोसिएशन के पदाधिकारी पुलिस में शिकायत करेंगे। साथ ही इस तरह से इस पैसे को पूरी तरह सम्मान मिले, इस बात के प्रयास किए जाएंगे।